हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार, सालार मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने वाली है, और अब तक जितने भी प्रभास के फैंस या जितने भी मूवी लवर्स हैं उनको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गई होगी। लेकिन उसी दिन वरुण धवन की मूवी भेड़िया भी रिलीज़ होने वाली है, और दोनों ही मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और एक तरफ प्रशांत नील और प्रभास की जोड़ी, तो दूसरी तरफ मैडॉक्स फिल्म अमर कौशिक जो हॉरर कॉमेडी का एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने स्त्री मूवी देखी थी और अभी आने वाली है रूही मूवी। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो मैडॉक्स फिल्म वाले उनको पता है कि जो आजकल की जो यंगर ऑडियंस है उनको किस तरह की मूवीज़ चाहिए, और जो दूसरी तरफ है प्रशांत नील सर, उनको भी पता चल चुका कि जो पूरी इंडिया की ऑडियंस है उनको किस तरह की मूवीज़ पसंद है और उस मूवी में क्या क्या पसंद है। तो दोनों ही टक्कर बहुत ही काटे की है, और दोनों ही मूवी मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट बेस्ड है। और फाइनली तो बस वही मूवी सक्सेस होगी जिसका कंटेंट, जिसकी कहानी, जिसमें एक्टर्स का परफॉर्मेंस जो हर एक चीज़ों से बियॉन्ड हो, वही मूवी चलेगी। तो अगर अभी हम लोग अभी से बोलेंगे कि नहीं सालार मूवी ही चलेगी, तो हम लोग सेंसलेस बातें कर रहे हैं। उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि KGF और जीरो के टाइम पे तो आप लोगों ने देखा था कि शाहरुख खान की मूवी टेक्निकल वाइज इतनी अच्छी होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से वो मूवी चली नहीं। और दूसरी तरफ रॉकिंग स्टार या जिनको हिंदी व्यूअर्स लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन KGF मूवी एक तूफान की तरह आई और आज सबके दिल में एक अपने अलग जगह बना दी है। और यार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी यूट्यूबर ऐसा बोले कि यार प्रभास की मूवी इजीली वरुण धवन की भेड़िया मूवी को खा जाएगी, तो उस पर बिलीव मत करना। फाइनली वही मूवी चलेगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी, अब चाहे उसमें प्रभास हो या कोई न्यू कमर हो या वरुण धवन ही क्यों ना हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सालार मूवी को लेकर आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट है वो किस लेवल की है, और भेड़िया मूवी जो कि एक अपकमिंग वेयरवुल्फ के कॉन्सेप्ट पे बनने वाली मूवी है, तो उसके लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्ट वे में बताना है। क्योंकि जो प्रभास है वो एक अलग लेवल का रेबेल स्टार है, नो डाउट। लेकिन वरुण धवन जिस तरीके से बदलापुर मूवी में परफॉर्मेंस किया था, तो उससे एक बात तो है कि अगर वरुण को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले और उसको एक अच्छा डायरेक्टर मिले, तो वो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस कर सकता है। तो बिना किसी चूतियागिरी के जज मत करना, कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना। तो यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।